नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पे आपको इंश्योरेंस से संबंधित नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस कब और क्यों लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो इस टॉपिक पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस कब और क्यों लेना चाहिए। इंश्योरेंस लेना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि हमें इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। वैसे तो इसके लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है कि इस उम्र में इंश्योरेंस ले लेना चाहिए या इस उम्र तक इंश्योरेंस हर किसी को ले लेना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी तो 0 दिन के बच्चे को भी इंश्योरेंस पॉलिसी दे देती हैं, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। स्टडी करते टाइम, जॉब लगने के बाद, या शादी होने के बाद, या बच्चे होने के बाद। वैसे तो इंश्योरेंस के बारे में ये कहा जाता है कि इंश्योरेंस को तब ले लेना चाहिए जब हमें इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि इंश्योरेंस तब नहीं मिलता जब हमें इसकी जरूरत होती है, क्योंकि इंश्योरेंस लेने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। इसे समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है। इंश्योरेंस सेविंग अर्थात बचत और रिस्क कवर के लिए लिया जाता है। अर्थात इंश्योरेंस से एक तो हमें बचत मिलती है, दूसरा हमें अपनी लाइफ पे रिस्क कवर मिल जाता है, और ये दोनों ही चीज़ें अत्यंत आवश्यक हैं। इंश्योरेंस के माध्यम से हम अपने जीवन पर होने वाले रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर कर देते हैं। जिस प्रकार से हम अपने मोबाइल, कार या बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि किसी दुर्घटनावश इनके होने वाले नुकसान को वहन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर अपने जीवन की बात करें तो ये तो और भी बड़ा नुकसान है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सिर्फ वही व्यक्ति नहीं मरता, बल्कि उसके साथ साथ उस पर निर्भर उसका परिवार भी आर्थिक तौर पर मर जाता है। ऐसे समय पर इंश्योरेंस ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो आर्थिक तौर पर आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस हमारे ना रहने पे हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया जाता है, जो कि अत्यंत आवश्यक है। इंश्योरेंस लेना अपनी वसीयत बनाने के समान ही है। मात्र कुछ पैसे जमा करके हम बिना कमाए एक वसीयत बना देते हैं, जिसमें हमारे ना रहने पे हमारे थोड़े से पैसे देने के बावजूद भी हमारे परिवार को एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है। तो हम अपने नॉमिनी के नाम पे इंश्योरेंस के माध्यम से एक बहुत बड़ा अमाउंट छोड़ जाते हैं, जो कि वास्तविक तौर पे हमने कमाया भी नहीं होता है। कई लोग इंश्योरेंस को टालने की कोशिश करते हैं, वो इससे बचने की कोशिश करते हैं, जबकि इंश्योरेंस तो स्वयं बीमित और उस पर निर्भर उसके परिवार को बचाने का कार्य करता है। आपका यह जान लेना भी आवश्यक है कि जीवन बीमा कोई खर्चा नहीं है, यह तो एक प्रकार से बचत है, जिसमें मैच्योरिटी तक आपके सुरक्षित रहने पर जमा किए गए प्रीमियम का टर्म के अनुसार लगभग डबल अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। और यदि बीच में ही कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, अर्थात पॉलिसी की टर्म पूरी होने से पहले ही कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो परिवार को आपके द्वारा थोड़े से जमा किए पैसे के बदले एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है। हर तरफ से ये आपके और आपके परिवार के लिए फायदे की चीज है। वैसे तो इंश्योरेंस हम अपने लिए नहीं लेते, बल्कि इंश्योरेंस तो परिवार के लिए लिया जाता है। जब हम अपने परिवार को पहले स्थान पर रखते हैं, तो अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने वाली इस व्यवस्था अर्थात जीवन बीमा को हम आखिरी स्थान पर क्यों रखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जीवन बीमा लेने या न लेने का फैसला व्यक्ति अपने स्तर पर स्वयं ही ले लेता है, जबकि इससे सीधे हमारा परिवार प्रभावित होता है। तो जीवन बीमा लेने या न लेने से पहले हमें अपने परिवार से भी इस बारे में जरूर बात कर लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जब आप अपने नॉमिनी को ये कहेंगे कि जीवन बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे मेरे रहने या ना रहने पे आप लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जिससे बच्चों की एजुकेशन, परिवार के खर्चे और अन्य सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने में आप लोगों को सहयोग मिलेगा, तो आपका परिवार क्या कहेगा, जरा सोच के देखिए। अक्सर कई लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि जीवन बीमा में बैंक से कम इंटरेस्ट मिलता है, तो उन लोगों का ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि जीवन बीमा बैंक की आरडी या एफडी नहीं है। यह एक
अलग तरह की व्यवस्था है, जितना भी जिसमें बीमित व्यक्ति के परिवार को उसके ना रहने पर इतना बड़ा अमाउंट मिलता है जितना कि दुनिया में कोई भी बैंक की आरडी एफडी या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट परिवार को नहीं दे सकती। दोस्तों यही वो कारण है जिनके कारण इंश्योरेंस के महत्व को समझते हुए कई देशों ने अपने यहाँ इंश्योरेंस को अनिवार्य किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इंश्योरेंस से संबंधित और अधिक टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।